आपकी सांस नहीं चलो कुछ तो है, लेकिन ज्यादा खुश होने से पहले जो लाल लाइन में लिखा है पढ़ो। और बेस्ट डिजर्ट्स, हमारा एम क्या होना चाहिए? दो बार खाना बीच में पानी, ये हमारा एम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन शुरुआत के कुछ समय आपको लगेगा, सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कुछ आइटम दिए। पानी चलेगा, पतली छाछ घर में बनाई हुई, कोई भी कंपनी की नहीं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। दो चम्मच दही ले लो, उसमें 200 ml छाछ भरो। अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है उसमें नमक भी डाल सकते, लेकिन बाकी कुछ डालने का नहीं। ग्रीन टी चलेगा, ब्लैक टी चलेगा, अगर आपको अच्छा लगता है। नहीं तो ग्रीन टी बोला तो कल फोन, सर कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो मेरा कोई दुकान नहीं, मेरी कोई ब्रांच नहीं। आपको अच्छा लगता है तो लो, और लेना है तो प्लेन ले लो, कोई उसमें फ्लेवर, उसमें स्टीविया वगैरह कुछ। आजकल क्या क्या डालते हैं, चाय में हल्दी भी डालते हैं, मतलब कोई भी चीज में कुछ भी डालते हैं। तो वो देखो कि प्लेन है तो चलेगा, ब्लैक टी चलेगा। ब्लैक टी में लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, ब्लैक टी बनाएंगे तो कड़वा हो जाता है। तो ब्लैक टी कैसे बनाना है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये तीन ही कंट्रीज ऐसे हैं कि जिसमें हम चाय को उबाल उबाल कर बनाते हैं, मतलब पानी में चाय की पत्ती डाल के उसको उबालते हैं, यानी कुक द टी ऐसा होता है। और दूध और शक्कर, दुनिया में कोई ऐसी चाय नहीं पीता। जो ब्रिटिश लोगों ने चाय यहाँ पे लाई वो कैसे पीते हैं, पानी गर्म करो, वो कप के ऊपर वो ये रखो आपका गार्निंग जो रहती है उसको, उसके ऊपर पत्ती डालो। और पत्ती भी क्या है, अगर एक कप चाय बनाना है तो 1/4 चम्मच डालो, ज्यादा ज्यादा पत्ती की जरूरत नहीं। उसके ऊपर गर्म पानी डालो, जो नीचे बचेगा वो ब्लैक टी, वो कड़वा नहीं लगता। आप दिन में 3-4 बार भी पियो, कितना भी पियो तो आपको कड़वा नहीं लगेगा, उसको भी तकलीफ नहीं। तो आपका ब्लैक टी का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो ग्रीन टी ब्लैक टी चलेगा, 25% दूध वाली पतली चाय भी चलेगी, किसी में शक्कर या शुगर फ्री इक्वल शुगर सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं डालेगा। नारियल पानी चलेगा, मलई नहीं खाने की। 40 रुपए का नारियल लाया, मलई वेस्ट कैसे करना। ये हाउ टू वेस्ट, ये तीन शब्दों से आधा भारत मोटा हो गया। और 80% लेडीज जिनके बच्चे 1-2 साल के ये मोटे हो गए। तीन वर्ड्स, हाउ टू वेस्ट। क्या छोटा बच्चा 1.5 साल का, उसके लिए क्या बनाया, शीरा बनाया। और पैर इतना ज्यादा बच्चे के ऊपर, उसमें 10 चम्मच प्योर घी डाला है, 24 घंटे उसके पीछे प्लेट लेके घूमती है, खा रहे भी, खा रहे। कितना खाएगा, 4 चम्मच 5 चम्मच 10 चम्मच खाता है, बाकी इतना बड़ा बचता है। How to waste? घरों घरों में आदत होती है, खाना होने के बाद रात का खाना होगा तो माँ बोलती है वो चपाती का डिब्बा इधर ला, 3 चपाती बची। हमारे खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है बचाने की, तू आधी खा, तू आधी ले बोलकर खत्म कर। जो मैंने बोला शुरुआत में कि डस्टबिन की फिक्र करते हैं, शरीर का डस्टबिन करते हैं। 150 किलो के वजन जिसका, उसको पूछो वजन कम करना मुश्किल है, शरीर में फूड डालना आसान है। वो बोलता है सर हवा भी खाओ तो वजन बढ़ता है, बहुत मुश्किल है। तो वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाउल में रखो, खाना खाने टाइम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टोमेटो चलेगा दिन भर में, मैक्सिमम एक टोमेटो दिन में चलता है। अब ये आइटम क्यों अलाउ किए, क्योंकि इससे इंसुलिन निर्माण नहीं होता। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किए, मैंने खुद के ऊपर और मेरे वॉलंटियर्स के ऊपर किए, तो पता चला कि इससे इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए ये सेफ आइटम्स है इसको। लेकिन स्टॉक कैप अरेंजमेंट की तरफ भी देखना है इसको, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है ना। कुछ लोगों का सोचता सर और क्या है, और क्या है। आप जल्दी पानी के ऊपर कैसे आओगे, देखो इधर मत जाओ कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। सब चाय लूं क्या, जीरे का पानी लूं क्या, इतने सारे सवाल हमारे ग्रुप्स को लोग पूछते हैं। कि मैंने बोला नहीं, जो बताया उतना चाहो, उतना तुम ले सकते, नहीं तो इंश्योरेंस टेस्टिंग करो खुद, आप डिसाइड करो क्या होता है। अब कल से अगर आपने सोचा कि मैं ये डाइट प्लान करूंगा, क्या 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 मुसीबत आ सकती है, क्या क्या सवाल आ सकते हैं। पहला गंभीर प्रश्न लोगों के सामने, सुबह की शक्कर की चाय कैसे छोड़ू, कितने लोगों का प्रॉब्लम है, जरा हाथ ऊपर करो। आपको लग रहा होगा कि चाय तो हमारा हजारों साल की परंपरा है, चाय की परंपरा 200 साल की है, ये ब्रिटिश लोगों ने लाया, हमारे पास चाय नहीं। इन्होंने क्या किया, चाय लाया, हर चौक में बनाते थे और फ्री में बांटते थे। अब फ्री में बांटा इसलिए हमारे पुरखों ने दो दो कप पिया उसका, आज वही चाय 500 रुपए केजी लेते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि
ये हजारों साल से कोई परंपरा नहीं है, ये 200 साल की बात है। और पैपला की आदत लगती है, शक्कर की आदत लगती है। जिस घर में डायबिटीज का पेशेंट है उसको आदत क्या है, बगैर शक्कर की चाय की आदत है, उसको गलती से शक्कर की चाय पिलाओ उसको नौशे होता है, बराबर उसका एडिक्शन गया, 8 दिन लगते हैं। तो क्या करो, 8 दिन ये जगन्नाथ का व्रत समझ के करो, 8 ही दिन करो, क्या करो बगैर शक्कर की चाय पियो 8 दिन, 9वें दिन आपको शक्कर की चाय अच्छी नहीं लगेगी, गारंटी देते। तो जिसको आप बहुत गंभीर समस्या समझ रहे हो उसका नहीं है, वो 8 दिन की बात है, डिटर्मिनेशन चाहिए। चक्कर आए तो दिन भर में काम करते हैं, ऑफिस में इधर उधर घर में काम करते हैं, चक्कर आए तो क्या करेंगे। अब जिसका वजन 70 किलो है उसके शरीर में 13 किलो चर्बी है, 13 किलो चर्बी का मतलब है 1,20,000 कैलोरीज का स्टॉक है, और दिन में कितना लगता है 2,000 कैलोरीज, यानी कि 60 डेज आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, तो भी मरोगे नहीं। ये डॉक्टर बोल के मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। तो कुछ नहीं होता, चक्कर वक्कर सब साइकोलॉजिकल है, पानी पियो। सब एक्सपर्ट बोलते हैं ब्रेकफास्ट करो, आजकल आर्टिकल बहुत आते हैं न्यूज पेपर में। तो पहली तो बात आपको सलाह है कि न्यूज पेपर के आर्टिकल हेल्थ के ऊपर जो आता है उसके ऊपर भरोसा मत, पता नहीं बाकी के ऊपर भी भरोसा रखना कि नहीं आपकी मर्जी। आज लिखेंगे कि ब्लैक चॉकलेट खाए तो हार्ट अटैक कम होते, 3 महीने पुराना इशू निकाल के देखो उसमें लिखा है कि ब्लैक चॉकलेट खाओगे तो हार्ट अटैक बढ़ता है। तो न्यूज पेपर के ऊपर भरोसा मत करो। लेकिन लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, फिर लोग बोलते हैं वो हमारे पास नहीं, क्या बोलते कहते ब्रेकफास्ट लेके किंग, लंच लेके क्वीन वगैरह, होते नहीं क्या हमारे पास ऐसा लिखा है। तो आपने कहावत थोड़ी है, रानी की कहावत है, इंग्लिश में है ना, आपने थोड़ी है क्या, हमारे लिटरेचर में महाभारत पढ़ो रामायण पढ़ो कहां भी आपने दिखा है क्या कि प्रभु रामचंद्र ने नाश्ता किया, भगवान श्री कृष्ण ने नाश्ता किया, लिखा है कहीं, और सुधाधा के पोए बाद में किसने तो भी ऐड किया याद रखो, ये तो पूछोगे मुझे वो पोए कहां से आ गया। तो हमारे कोई भी लिटरेचर में संस्कृत में ब्रेकफास्ट के लिए कोई शब्द नहीं है, हमारे पास नहीं था, 2 बार लोग खाना खाते थे, ये हमारा ट्रेडिशन था। और हमने आपको ब्रेकफास्ट मत करो ऐसे नहीं कहा, हमने आपको नेचुरल सलाह दिया। आपका एक्सपीरियंस क्या है, जब भूख नहीं है तो खाओगे तो इनडाइजेशन होगा, भूख है तो भी नहीं खाओगे तो एसिडिटी हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। हम तो वही बोल रहे हैं आपको, जब भूख लगे तो खाओ, 8 बजे भूख लगती है 8 बजे खाओ सुबह, तुम बोलो ब्रेकफास्ट, हम बोलते पहला खाना। क्या हमारे पास कोई ऐसे वर्ड ही नहीं है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हमारे पास क्या वर्ड है, पहला खाना दूसरा खाना, उसको टाइम क्यों की पाबंदी नहीं है, 8 बजे भूख लगे 8 बजे खाओ, इससे प्रॉब्लम होते हैं। मुंबई के मैडम को फोन है, सर आपका डाइट प्लान कर रही हूँ 8 दिन हो गए, हेडेक हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो मैडम भूख कब लगती है, सुबह 8 बजे, खाना कब खाते हो, दोपहर 1 बजे, मतलब 5 घंटे भूखे रहोगे तो होने वाला है सब, 1 बजे क्यों खाते हो, हमारा लंच ब्रेक 1 बजे, ऐसे नहीं चलेगा 8 बजे खाना पड़ेगा, 8 बजे कैसे खाएंगे, और कैसे खाएंगे, भूख लगती खाओ आपका टाइम है, 8 बजे खा ही नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम है, हमारी खाना बनाने वाली बाई नहीं आती इतनी जल्दी। मैं बोला भाई आऊं क्या कल से, आपके क्या क्या प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा, आपको प्रिंसिपल बताया कि 2 बार खाना खाना, आप होशियार हो सर, क्या खाने का क्या पकाने का आप आपके दिमाग से करो खाओ, तो ब्रेकफास्ट मत करो ऐसे नहीं खाओ, भूख के समय खाओ ये बताया। मसल्स कम होंगे क्या, आजकल बहुत लोग जिम में जाते, हमारे डॉक्टर्स भी जाते हैं बहुत सारे, और ताज्जुब की बात है कि हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर वहां जाके किसका सुनते हैं, वो 12th फेल जो है ना ट्रेनर उसका सुनते हैं, अब वो बकरों की तलाश में होते जिम में, लोग बकरे कौन, बहुत आसान है ढूंढने का, जो आदमी 2 मिनट वेट उठाता है और 3 मिनट आईने में देखता है वो गारंटेड बकरा, क्योंकि उसको 3 महीने में सलमान खान बनने का। फिर वो आता है साहब स्पेशल ट्रेनिंग लगाने का है क्या, ये ऑर्डिनरी क्या, 1 महीने में 2,000 रुपये, स्पेशल ट्रेनिंग का 5,000 रुपये, अब उसको सलमान खान बनने का है, बोलता चलो लगाओ भाई स्पेशल ट्रेनिंग। फिर उससे कल इतनी मेहनत करा के लेता है 20-30 किलो के वजन उठाता है, फिर अगले दिन तुम तो बेड पे से उसको फोन करते, अरे यार मैं तो उठ भी नहीं सकता, मसल तो वैसा हो गया वैसा हो गया,
वो बोलता है वो क्या मसल है सर आपको, वो मसल का ऐसा है वो एक्सरसाइज के बाद वो टॉर्न हो जाते हैं, मसल का टूट जाते हैं, जब तक उसको प्रोटीन नहीं खिलाओगे ना वो ऐसे रहे। अब तुम सोचते मैं तो गया सलमान खान बनने के लिए, अब मैं अष्टवक्र बन के आऊंगा वहां। फिर उसको पूछते, फिर तुम उसको पूछते अभी क्या करने का, प्रोटीन कहाँ से लाने का, वो लगा है क्या मेरे पास डब्बे, वे प्रोटीन घे प्रोटीन झे प्रोटीन। अरे एक किलो डब्बे का 5,000 4,000 डब्बे उसके पास रहती फ्रेंचाइजी उसकी। अब वो लोग लेके देखा जो रूटीन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हो, रूटीन यानी कि 45 मिनट से 60 मिनट तक कोई भी वेट ट्रेनिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, उसके लिए कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मैंने हमको बोला ट्रेनिंग में क्या करो खाना खाने वो एक्सरसाइज के पहले क्या करो, कम से कम 2 डेट्स खाओ, बोलते हैं 2 मनुका खा के आ जाओ या आधा केला खा के आ जाओ। आधे केले में कैलोरीज कितने, 20 कैलोरीज, 2 डेट में कितनी, 15 कैलोरीज, एक्सरसाइज करोगे 500 कैलोरीज का, अब कहां से आता है ये सब बाकी का, अब तुम्हारे फैट से आता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल है, तो ऑर्डिनरी फिटनेस एक्सरसाइज के लिए कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको आयरनमैन बनना है, डेली 300 किलोमीटर साइकिल चलाना है, ऐसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए ये डाइट प्लान नहीं है। ये डाइट प्लान ऑर्डिनरी लोगों के लिए, मासेस के लिए है। जो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोटीन आपको लेना है आप खाने से लेना चाहिए, दाल खाओ, चिकन खाओ, जो भी खाओ तो खाने से मिलना चाहिए। बाजार से प्रोटीन लाके कोई खाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं। तो मसल्स कम किसके होंगे, अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन खत्म तो मसल को हाथ लगेगा, फैटी एसिड खत्म तो मसल को हाथ लगेगा, क्योंकि 1 किलो प्रोटीन खत्म तो आदमी मर जाएगा। इसलिए कोई भी शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। तो इसलिए जो आदमी 2 बार खाना खाता है उसका कभी मसल कम नहीं होंगे, इसलिए कोई फिक्र करने की बात नहीं। एसिडिटी होगी क्या, कितने लोगों को प्रॉब्लम है एसिडिटी का, जरा हाथ ऊपर करो, काफी लोग है। क्या सलाह मिली आपको, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, बराबर गोली लेते रहो, ये एडवाइस है ना, ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, गोली लेते रहो। अगर उस तरीके से आपकी एसिडिटी जाती थी तो इतने लोगों के हाथ क्यों आते थे ऊपर, जो आप कर रहे हो उससे एसिडिटी कभी नहीं जाएगी। आग लगाते हो बुझाते हो, लगाते हो बुझाते हो, 24 घंटे वही काम चल रहा है, ऐसी आग नहीं बुझेगी, क्योंकि एसिड सिक्रीशन भी इंसुलिन जैसा है, शुरुआत में एक विशिष्ट प्रमाण मात्रा में आता है, और आपने 2 बिस्किट खाए तो क्या होता है, थोड़ा एसिड यूज हुआ, थोड़ा बच गया, एसिड बच गया, एसिडिटी हो गई। इसलिए 2 बार अगर खाना खाओगे ठीक तरह से तो शरीर को फाइन ट्यूनिंग के लिए टाइम मिलता है, कितना एसिड लगेगा उतना बनता है, उतना खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो लोग ये डाइट प्लान करते हैं 30% सक्सेस स्टोरीज क्या है, हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे, तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसिडिटी क्यों होती है, आप भूख के समय नहीं खाते इसलिए आपको एसिडिटी होती है। तो 2 टाइम आइडेंटिफाई करो, कड़ी भूख के उस टाइम खाओ, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बीच में अच्छा पानी पियो, हो सकता है 8 दिन पहले आपको एसिडिटी की टैबलेट लेनी पड़ेगी लो, लेकिन 2-3 महीने के अंदर आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं आपको दवाइयाँ लेनी है, थायराइड का प्रॉब्लम है लेडीज को, कुछ उनको बोलते डॉक्टर ने बोला कि एक थायरोसिन की जो टैबलेट है सुबह उठने के बाद पहला काम क्या करने का है, खाली पेट पहले गोली खाओ, वो गोली वैसे ही चालू रखो, ये डाइट प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी के प्रॉब्लम हाइपरटेंशन है, डायक और भी कोई प्रॉब्लम है आपको, हार्ट का प्रॉब्लम है, गोली कितनी दिन में, 1 बार या 2 बार है, डॉक्टर से बात करो, 55 मिनट का टाइम है, पहले खाने में दूसरे खाने में एडजस्ट करो, तो गोली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फल कब खाऊं, दूध कब लूं, ये लोगों को फल खाने का होता है, दूध पीने का होता है। अब इसलिए खाने का सिक्वेंस क्या होना चाहिए, फूड आइटम्स कैसे खाना चाहिए ये बताता हूं। खाने की शुरुआत करो आप फल से, ड्राई फ्रूट से या मीठी चीज से। रसमलाई खाना है तो शुरुआत में खाओ, आखिर मत खाओ, इसके 2 फायदे। एक, मीठी चीजें जो होती है उसको डाइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए पहले खाओगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरा एडवांटेज है कि मीठा खाने से सेटिस्फेक्शन जल्दी हो जाता है। रसमलाई पहले खाओगे तो 1 चपाती खाने में पक्का कम खाओगे उस दिन, लेकिन खाना खाने के बाद अगर रसमलाई खाई तो 4 प्लेट भी खाई तो कहां चली पता नहीं चलता। तो पहले फल, ड्राई फ्रूट या मीठा, उसके बाद में सैलड, ककड़ी, टोमेटो, गाजर, जो भी खाना है, उसके बाद में स्प्राउट्स खाओ, उसके बाद में चपाती, सब्जी, राइस, दाल खाओ, और आखिरी में दूध। ये सीक्वेंस है। कल से लोग क्या ढूंढते नागपुर में,
दीक्षित थाली। अब इतनी चीजें खाना है तो थाली बड़ी चाहिए, इसलिए आपको बोलता हूं कि हर एक चीज हर रोज खाने की जरूरत नहीं। जब खाने वाले हो तो ये सीक्वेंस है, यानी कि आपको फल भी खा सकते हो दूध भी पी सकते हो, लेकिन ये सीक्वेंस है। एक बात समझ लो कि वजन कम करने का दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। कल से डाइट कम करते लोग 8 दिन के बाद फोन, सर 8 दिन हो गए कुछ भी नहीं, 8 दिन में कुछ नहीं होने वाला। आपकी स्टोरी देखो ना, वजन बढ़ने की क्या स्टोरी है। और बोलते शादी के टाइम मेरा वजन था 48 किलो, पहले डिलीवरी के बाद 58, दूसरी के बाद 68, अभी सब सेटल हो गया तो गाड़ी 80 पे आ गई। हस्बैंड बोलता है शादी के टाइम 50 किलो का था, अब इनका सब करते करते 90 पे आ गया। यही स्टोरी है ना सर। कुछ लोग तो शादी के एल्बम भी नहीं देखते, डरते किसकी शादी हो गई बोलते, इतना फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपका वजन बढ़ा 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में बढ़ा है, 1-2 साल में नहीं बढ़ा है। अब बढ़ाने को 20 साल लगाए तो गवाने को 2 साल दोगे कि नहीं, कि मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, घुमाऊंगा वजन कम होगा। लेकिन डायरेक्शन का पता चलेगा 1 महीने में, ये सही दिशा में जा रही है आपको पता चलेगा 1 महीने के अंदर। हल्का लगने लगेगा, अच्छी नींद आना चालू हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी। कुछ लोगों के कपड़े भी लूज हो सकते हैं, लकी लोग। लेकिन वजन कम होना ये दिखने के लिए आपको 3 महीने करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि आपके जिंदगी के 90 दिन मुझे दे, 90 डेज दिमाग बाजू में रखो, 90 दिन करो, फायदा हुआ हमारे इस अभियान में शामिल हो जाओ, इसको आपका लाइफस्टाइल बनाओ। यही डाइट प्लान डायबिटीज के लोगों के लिए भी काम करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए। लेकिन इनको मैंने बताया पहले कि HbA1c फास्टिंग इंसुलिन 2 रिपोर्ट करना है आपको, मैं या मेरे कोऑर्डिनेटर्स को भेजो, हमने बोला करो, डेफिनेटली करो, आपको फायदा होगा। अब अभी तक जो बताया था वेट लॉस का डाइट प्लान था, उसमें और डायबिटीज के डाइट प्लान में क्या फर्क है? बहुत थोड़ा फर्क है। फर्क इतना ही है कि आपको डायबिटीज वालों को खाना खाने के समय भी मीठा नहीं खाना और मीठे फल नहीं खाना, और 2 खानों के बीच में 3 ही फूड आइटम अलाउड है, पानी, पतली छाछ और ग्रीन टी और ब्लैक टी। यानी कि जो 25% दूध वाली चाय, नारियल पानी और टोमेटो, ये 3 फूड आइटम इनको अलाउड नहीं है डायबिटीज को, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। अब ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो आमतौर पे आपकी ब्लड शुगर करते हैं 40 के बाद ब्लड शुगर करते हैं। तो अब ब्लड शुगर करने को बोला मैंने आपको, कल करना है, क्या करोगे? आज कम खाते हो, अब मीठा तो बिल्कुल नहीं खाते, नेचुरल टेंडेंसी, डरते हैं ना हम लोग, डायबिटीज निकला तो क्या होगा? HbA1c करेंगे तो क्या होता है, 3 महीने का एवरेज है, 1.5 महीने पहले अगर आपने आम भी खाए हैं उसमें दिखते हैं, चीटिंग नहीं कर सकते, 3 महीने का एवरेज है। तो 5.6 तक नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 प्री डायबिटीज, 6.5 के ऊपर गया तो डायबिटीज बोलते हैं। और दूसरी टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन। मैंने बताया इंसुलिन का काम शुरू कब होता है? खाना खाओगे तो काम शुरू होता है। तो खाली पेट कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए 0 के पास होना चाहिए, कम से कम 10 के नीचे तो होना ही चाहिए, 10 के ऊपर गया तो प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो ये 2 टेस्ट करना जरूरी होता है, और ये 2 टेस्ट को महाराष्ट्र में पहले 1300-1400 रुपये लगते थे। अभियान जब शुरू हुआ तो हमने उनसे बात की, लैब वालों से, कि ये पब्लिक के लिए कैंपेन है, ये सब चैरिटेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई किसी से एक पैसा नहीं लेता है। तो सभी लैब वालों ने इसके रेट कम किए। आपकी इधर कांगेर लैब है, SS मैथ लैब है, ये लोग हमको 600 रुपये में टेस्ट करके देते हैं, जिसका ऑर्डिनरीली कॉस्ट 1200-1300 है। तो आप वहां जाके कर सकते हो, आपको 1200 रुपये में भी करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके लिए हमने फैसिलिटी अवेलेबल की है। क्योंकि अभियान में जिसको शामिल होना है तो उसको 2 टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो टेस्ट से हमको पता चलता है कि वो प्री डायबिटीज कौन है, वेट लॉस वाला कौन है, डायबिटीज वाला कौन है, और अकॉर्डिंगली उनको गाइडेंस हम दे सकते हैं। मैं तो बोलता हूं उसको कोई सपोर्ट है क्या? आयुर्वेद ने बोला द्वौ काल उंजित, दिन में 2 बार खाओ, जठराग्नि जब प्रज्वलित होगा उस 2 टाइम खाना खाओ, ऐसा आयुर्वेद ने बताया। वेदों में ऐसा लिखा है कि जो आदमी दिन में 2 बार खाएगा उसको उपवास का पुण्य मिलेगा, और हम सब पुण्य के लिए करते हैं। पुण्य कमाने का इतना आसान तरीका क्या हो सकता है? दिन में 2 बार खाओ, डेली कर, पुण्य कमाओ। जैनिज्म में व्यासना नाम की कल्पना है। व्यासना का मतलब क्या? बे आसन यानी 2 बार बैठो, 2 बार खाओ। जैन मुनियों ने मुझे बताया, सर उनके लिए मेरा एक लेक्चर हुआ शिरूर में, उनका, सर हमने तो खाने के लिए 48 मिनट का टाइम दिया,
मैंने कहा 7 मिनट का हमने ग्रेस पीरियड दिया है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों क्या कहा, उसने कहा अगर आपको हेल्दी रहना है तो रात का खाना मत खाओ, एक ही बार खाना खाओ, क्योंकि वो तो योगी था। महाभारत में क्या लिखा है, महाभारत में लिखा है जो एक बार खाएगा उसको आरोग्य स्वास्थ्य मिलेगा, जो दो बार खाएगा उसको शक्ति मिलेगी, जो 3 बार खाएगा उसको बीमारी मिलेगी, जो 4 बार खाएगा उसको डेफिनेटली मौत मिलेगी। संतों ने कैसे कहा, संतों ने कहा एक बार खाता है योगी, 2 बार खाता है हमारे जैसा भोगी, 3 बार खाता है वो, जोर से बोलो, अब फिर भी 10 बार खाते। जिस समाज में नॉलेज का कन्वर्शन विजडम में नहीं होता वहां ये प्रॉब्लम आता है। जब हमको ये बात समझेगी और हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो हमारा हेल्थ की तरफ का जर्नी चालू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पूरे भगवान की इमेजेस निकाले गूगल के ऊपर, अपने धर्म के, दूसरे धर्म के, दूसरे देश के, मुझे एक बात का पता चला, किसी भी भगवान को पेट नहीं है, सब फ्लैट है, गणपति एक्सेप्शन है। और बाजू में वो राक्षस दिखाया उसको है पेट, यानी हमारे समाज में पेट होने का कोई सोशल स्टेटस नहीं था। ये तो पुरानी बातें हो गई, नई बातें बताता हूं। डॉक्टर मैटसन नाम का साइंटिस्ट है, उसने स्टडी किया कितनी बार खाओगे, कब खाओगे, उसका स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर करता है। सब नहीं पढ़ूंगा, कंक्लूजन बताता हूं। मैटसन बोलता है कि जो दुनिया में आज प्रचलित है 3 बार खाना और 1 बार नाश्ता करना, मैटसन बोलता है अगर उत्क्रांति की दृष्टि से देखेंगे तो ये अननेचुरल है, अनैसर्गिक है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम जंगल के जानवर हैं, कितनी बार खाना हमारे लिए ठीक नहीं। 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला जापानी साइंटिस्ट को, किस बात के लिए मिला, ऑटोफैगी नाम की कॉन्सेप्ट का उसने डिस्कवरी किया। इसका मतलब क्या, अगर आप फास्टिंग करोगे, उपवास करोगे, तो आपके शरीर के अच्छे सेल्स कैंसर सेल्स को खाएंगे। तो जो डाइट प्लान हम बता रहे हैं उसमें अगर आपने 9 बजे खाया तो 9 से 1 16 घंटे का फास्टिंग है। किसने 9 बजे खाया सुबह, रात में 9 बजे खाया तो भी उसका 12 घंटे का गैप है, फास्टिंग है, तो ऑटोमेटिकली कैंसर प्रिवेंशन में फायदा हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, इसको आयुर्वेद में सपोर्ट है, कल्चर में सपोर्ट है, मॉडर्न मेडिसिन में सपोर्ट है, सिर्फ हमको ये करना चाहिए। ये अमल जब करोगे तो आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। देखो भूख साइकोलॉजिकल है, हंगर इज साइकोलॉजिकल, काम में रहते हो भूख नहीं लगती, खाली बैठते कितना खाते पता नहीं चलता, और ब्रेन में भूख और प्यास के सेंटर नजदीक है तो मस्तिष्क को कंफ्यूजन होता है ब्रेन को कि भूख लगेगी प्यास लगेगी। तो क्या करो, जब भूख लगेगी तो पहले पानी पियो एक गिलास, 99% टाइम पता चलेगा कि भूख नहीं थी पैसे की, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और भूख जितनी उसे थोड़ा कम खाओ, जो भूखी वो सुखी। और लोग ज्यादा क्यों जीते हैं, लॉन्ग लाइफ क्यों जीते हैं, उसके 2 ही कारण आज तक मिले हैं, एक है कम खाना और दूसरा है जिंदगी में रेगुलरिटी होना चाहिए। ये 2 बातें हैं, तो कम खाने से आदमी की जिंदगी बढ़ती है। इसके साथ एक्सरसाइज हम बोलते हैं करने के लिए, क्या बोला हमने कि आपको 45 मिनट में 4.5 किलोमीटर चलना है। कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, चलना, साइकिल चलाओ या स्विमिंग करो, जो भी आपको पॉसिबल है कर सकते हो। लोग बोलते हैं टाइम नहीं हमारे पास, बहुत बिजी। क्यों इतने बिजी, काम करते क्यों काम करते, अच्छी जिंदगी जीने के लिए करते। अच्छी जिंदगी की आपकी कल्पना क्या है कि 50 साल की उम्र में एंजियोप्लास्टी करके 5-स्टार आईसीयू में रहना क्या आपको 15 दिन। अगर ये आपकी आइडिया है अच्छी जिंदगी की तो ऐसे ही करो, ऐसे ही बोलो टाइम नहीं है। लेकिन टाइम सबको निकालना पड़ेगा, 1 घंटा खुद के लिए, हेल्थ के लिए निकालना पड़ेगा। एक स्टोरी बोलता हूँ, एक उद्योगपति है मुंबई के, बहुत बड़े, 25 साल पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट किया US के उद्योगपति से, 20,000 करोड़ का एग्रीमेंट था, और क्या 20,000 करोड़ का 20 साल में 40,000 करोड़ का कुछ तो प्लान था। अब उन वो महोदय US में से इनके पास आए, इनके घर में वो मीटिंग थी, डिस्कशन चालू था। अब हमारे जो उद्योगपति थे वो तो खाते पीते घर के थे, पेट वगैरह निकला हुआ मस्त, अमेरिकन उद्योगपति एकदम फिट। अब ये बात कर रहे हैं, अभी अमेरिकन आदमी उनके पेट की तरफ देख रहा है बार बार, इनको ऑकवर्ड हो गया, ये क्या ऐसे देख रहे हैं। लेकिन वो बोला चलो किसी की आदत होती है, फिर 10-12 मिनट बातें हो गई, फिर भी वो कॉन्स्टेंटली पेट की तरफ भी देख रहे।
फिर इनको रहने गए, इनका क्या चल रहा है, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, 20,000 करोड़ के 40,000 करोड़ करने के लिए बात कर रहा हूँ, आप भाई साहब मेरी पेट की तरफ देखते हो, मैं आपको डर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उद्योगपति ने, वो यूएस के आदमी ने कहा कि भैया आपसे एग्रीमेंट तो हम 20 साल का कर रहे हैं, आपकी 2 साल की गारंटी नहीं दिख रही। तब से ये आदमी भागना चालू किया, अभी 42 किलोमीटर मैराथन भागता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको टाइम है जो 20,000 करोड़ का एग्रीमेंट करता है, तो हमको क्यों नहीं टाइम, सबको टाइम निकालना पड़ेगा। सबके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, घर में कितना भी काम करो, बाहर कितना भी काम करो, काम करना अलग बात है, एक्सरसाइज अलग बात है। जो हार्ट को ट्रेन करना है, हार्ट को ट्रेन करना है, और कभी भी कर सकते, इसको टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जब भी टाइम मिलेगा आप कर सकते। एट ए स्ट्रेच 45 मिनट्स करना है, क्यों, कि पहले 20 मिनट आपका ग्लूकोज चलेगा, बाद में फैटी एसिड चलेगा, इसलिए 45 मिनट एट ए स्ट्रेच करना जरूरी है। और 4.5 किलोमीटर, और जिनके घुटनों में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली कल से मत चालू करो 4.5 किलोमीटर, धीरे धीरे बढ़ाओ, 2 किलोमीटर करो, 100-100 मीटर बढ़ाओ। इस अभियान में कुछ लोग ऐसे जो 1 किलोमीटर नहीं चल पाते थे, आज 21 किलोमीटर मैराथन भाग रहे। ये सब माइंड सेट है, आपको एक बार लगा मैं कर सकता हूं, 2 किलोमीटर किया तो 2.5 किलोमीटर में क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करो। किसी का फोन आता है, सर स्किपिंग किया तो चलेगा क्या? मैडम उम्र कितनी? 57 साल। वजन कितना? 95 किलो। इनका घर की फ्लोरिंग अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटने का जो होना है वो तो होना ही है। तो ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना है जिससे इंजुरी हो जाएगी, एक दिन करोगे महीना भर अपने बेड के ऊपर सो जाओगे, वैसे नहीं करना। चलना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, वो करो। काफी बाकी एक्सरसाइज है, कोई लोग तो योगा करो, करो, हमारे लिए 45 मिनट कार्डियो करो, बाकी जितना टाइम है जो करना है करो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। योगा करो, वेट ट्रेनिंग करो, जो भी करना है करो। इसको कोई सबूत है क्या, कोई रिसर्च एविडेंस है क्या? बहुत लोग पूछते हैं इसके ऊपर रिसर्च पेपर चाहिए, तो कुछ रिसर्च पेपर आपके लिए लाया हूं। ये पहला पेपर है, 428 लोगों ने 6 महीने प्लान किया, उनको फॉलो किया, क्या क्या निकला, 6 महीने में 6.8 kg एवरेज वेट लॉस है, रेंज 3 किलो से 45 किलो की रेंज है। मैं क्यों बोलता हूँ, लाइफ चेंज एक्सपीरियंस है। जिसका वजन 120 किलो था, आदमी चल नहीं पाता था, चला तो फ्रिक्शन से खून निकलता था पैर में से, आज 45 किलो वजन कम हो गया, 75 kg हो गया, भागता है अभी, लाइफ चेंज हो गया। डायबिटीज का पेशेंट, गोली बंद हो गई, लाइफ चेंज हो गया। क्या लाइफ है डायबिटीज का पेशेंट, बोलता है गोली खाने से पहले खाऊं, खाने के साथ खाऊं या बाद में खाऊं, और अगर चक्कर आए तो क्या करूं, पूरी जिंदगी उसमें जा रही है उसकी, गोली बंद हो गई, लाइफ चेंज होता है। और यही डाइट प्लान है जिसमें आपका पेट पहले कम होता है, चिक्स कभी आपके रिट्रैक्ट नहीं होते। बाकी कुछ भी करो, जिमिंग करो, प्रोटीन खाओ, पहले चिक्स अंदर चले जाते हैं, लोग पूछना चालू कर देते हैं घर में कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई नहीं पूछेगा कितना कम होगा, 3.5 सेंटीमीटर 6 महीने में एवरेज 3.5 सेंटीमीटर, रेंज 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। डायबिटीज प्रिवेंट कैसे होता है, इसका पेपर पब्लिश हुआ। मैंने कहा फास्टिंग इंसुलिन इज ए प्रॉक्सी इंडिकेटर, खाना खाने जब खाली पेट हो तो इंसुलिन कम होना चाहिए, जिसका ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है और आगे चल के इसको टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे पास आई, उनका 24.4 था इंसुलिन, मतलब वैसे पैथोलॉजिस्ट के हिसाब से नॉर्मल रेंज में था, हम बोलते 10 के नीचे होना चाहिए, इनका ज्यादा था। एक साल किया 5.4 पे आ गया एक साल, इसका मतलब क्या है, जो काम करने के लिए उनके शरीर को खाली पेट 24 यूनिट इंसुलिन लगता था, वो काम अभी 5 यूनिट पे हो रहा है, यानी शरीर इंसुलिन को सेंसिटिव हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, और टाइप 2 डायबिटीज होने वाला था तो दूर चला गया। प्री डायबिटीज रिवर्सल होता है क्या, उसका पेपर पब्लिश हुआ। 48 लोगों का स्टडी किया, सभी का HbA1c 5.7 टू 6.4 था, उनको हमने कहा कि गोली नहीं मिलेगी, क्या करो, 2 बार खाओ, 4.5 किलोमीटर चलो। क्या नतीजा निकला, 3 महीने के बाद सभी के सभी नॉन डायबिटिक हो गए, एक भी गोली लगी नहीं, एक भी परेशान। डायबिटीज रिवर्सल होता है क्या, उसका पेपर पब्लिश हो गया। एक प्रोफेसर है लातूर के, 1 जनवरी 2017 को उनको न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर डायबिटीज मिल गया। HbA1c कितना, 10.1, अपर लिमिट मैंने 5.6 बोला, इनका अंगूर डबल था, शुगर 213-283,
वजन 86.5। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दो मेडिसिन लिख के दिए गाइडलाइन के हिसाब से। उन्होंने मुझे फोन किया, सर मैं करूँ क्या, मुझे फायदा होगा क्या? बोले ये साइंस है, इट विल हेल्प एवरीबॉडी, भरोसा करो मत करो, लेकिन ऑनेस्टली करो क्योंकि साइंस है। 7.5 महीने के बाद क्या हुआ देखो, 16 अगस्त 2017 की बात है, एचबीएमसी 5.3 पे आ गया, शुगर 87/120, 14.5 किलो वजन कम, पेट का गहरा चेंज कम। प्रोफेसर लैंडवे बिकेम नॉन डायबिटिक इन 7.5 मंथ्स, एक भी मेडिसिन नहीं, एक भी पैसा खर्च नहीं। 16 अगस्त 2018 को हमने उनके डायबिटीज फ्री लाइफ का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज भी उनको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, कल आप करोगे टेस्ट, आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज सबसे निकला, तो डरो मत, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको मेडिसिन लिख के देंगे, मेडिसिन लिख के लो, फिर उनको इतना ही कहो कि आप भी नागपुर में हो, मैं भी नागपुर में हूँ, मेडिसिन तो कभी भी ले सकता हूँ। सिर्फ तीन महीने मुझे दीक्षित सर ने जो बताया वो करने दो, 3 महीने, और डॉक्टर के हैसियत से, मेरे फैमिली डॉक्टर की हैसियत से मुझे सपोर्ट करो उसके लिए। आपको यकीन देता हूँ कि आप में से 95% लोगों को फिर उस डॉक्टर के पास डायबिटीज का मेडिसिन देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपका डायबिटीज आप खुद रिवर्ट करो। हमारे देश में डायबिटीज का डायग्नोसिस हम जल्दी नहीं करते, काफी लेट हो जाते हैं। आप में से जितने लोगों का डायबिटीज डायग्नोस हो गया उनका कैसे हुआ, कुछ लोगों का दांत निकालने गए, डॉक्टर ने बोला ब्लड चेक करो, निकला 350। एक्सीडेंटल डायग्नोसिस 50% है हमारे पास, और तब एचबीएमसी 12, 14, 15 होता है। अगर जल्दी डायग्नोस हो गया, प्री डायबिटिक लेवल पे हो गया, तो 3 महीने में नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, तो इसलिए डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता। दूसरा, डायबिटीज के ऊपर हम अननेसेसरी ट्रीटमेंट करते हैं, बम्बार्डिंग ऑफ मेडिसिन अननेसेसरी। ये क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, किताबों में लिखा है। अगर कोई बीमारी का कारण लाइफस्टाइल है, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, तो उसका सॉल्यूशन कहां होना चाहिए, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में होना चाहिए, मेडिसिन में नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया का मशहूर संशोधन है, अनुसंधान है, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से वो पब्लिश भी है। उन क्या किया, प्री डायबिटीज के 3,234 लोगों का स्टडी किया, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को मेटफॉर्मिन नाम की दवा दी, जो डायबिटीज वाले लोग ग्लाइकोमेट रिसिपेज के नाम से लेते हैं। दूसरे ग्रुप को कहा कि मेडिसिन नहीं मिलेगा, क्या करो, डाइटिंग करो और एक्सरसाइज करो। क्या नतीजा निकला, जो लोगों ने मेटफॉर्मिन लिया उनमें डायबिटीज होने का चांस 40% हो गया, 40, लेकिन जिन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया इनमें 58% कम हो गया। यानी 18% ज्यादा एडवांटेज किसको मिला, जिसने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया। अगर ऐसी बात है तो हमारे डॉक्टरों ने हमको डायबिटीज होने के बाद गोली देने से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देनी चाहिए, उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, उससे काम नहीं हुआ तो मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। फिर हमने डायबिटीज के लोगों का स्टडी किया कि इनका प्रोग्रेस क्या है, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया क्या प्रोग्रेस है आपका, किसी का डायबिटीज 10 साल का, किसी का 12 साल का, किसी का 5 साल का, क्या प्रोग्रेस है आपका। जब डायग्नोस हुए तो मेटफॉर्मिन 500 पे काम चलो, आपकी गाड़ी चालू हो गई, 2 साल के बाद 1,000 हो गया, 3 साल के बाद और एक मेडिसिन, 5 साल के बाद और एक मेडिसिन, 10 साल के बाद इंसुलिन, 15 साल के बाद किडनी डैमेज, 20 साल के बाद आंखें डैमेज, बराबर यही प्रोग्रेस हुआ सबका। कोई बोलता है मेरा मेडिसिन कम हो गया, कोई बोलता है मेरा मेडिसिन बंद हो गया, नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा किताब में, पहला सेंटेंस हमको सिखाया, डायबिटीज इज एन इनक्यूरेबल डिजीज, एक कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी है। अब मैं डॉक्टर, मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आया, मुझे क्या मालूम है मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, पेशेंट को क्या मालूम है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, एग्रीमेंट है दोनों का, दोनों ने मान लिया ठीक नहीं होता तो कैसे ठीक होगा, ये निगेटिव मेंटेलिटी का इफेक्ट है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एडवाइस आपको आपके डॉक्टर ने दिया है, जिनको डायबिटीज है डॉक्टर ने बोला है, क्या बोला, एक्सरसाइज करो, अच्छी बात, हम भी बोल रहे हैं। उसके साथ दूसरा एक एडवाइस आपको दिया जो आपने सिंसियरली फॉलो किया आज तक, किसी ने 8 साल किया, किसी ने 10 साल किया, किसी ने 12 साल किया, क्या एडवाइस है, हर 3-4 घंटे बाद खाओ। खाया आपने, खाया कि नहीं, देखा उसका नतीजा क्या है, गोली कम हुई नहीं, बंद हुई नहीं। अब उन्हीं डॉक्टर के पास जाओ, आपकी फाइल लेके जाओ, बड़ी बड़ी फाइल होगी लोगों की 10 साल की, लेके जाओ, तो बोला सर आप तो हमारे डॉक्टर हैं, आपका मैंने सुना,
हर चार घंटे खाया। देखो मेरा मेटफॉर्मिन से कहां तक आ गया, ये कहां आ गए हम। अब ऐसे जाऊंगा तो क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली। अब मुझे दीक्षित सर बता रहे हैं तीन महीने करके देख ले दो, तीन महीने ज्यादा नहीं, और डॉक्टर के ऐसे से मुझे सपोर्ट करो, तीन ही महीने ज्यादा नहीं। यकीन देता हूं कि तीन महीने में आपका डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपको हाइपोग्लाइसिमिया होगा तो आपका मेडिसिन का डोज कम होगा, तो डायबिटीज रिवर्सल की तरफ आपका जर्नी शुरू होगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है, प्रयोग करने की जरूरत है, और उस प्रयोग में आपको डॉक्टर का भी साथ मिलना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर नहीं साथ दे रहे तो हमने आपके लिए डायबिटीज रिवर्सल सेंटर चालू किया इधर ज्ञानेश्वर मंदिर बजाज नगर में। ये सेंटर हर गुरुवार सुबह 7:30 से 9:30 तक चलता है। यहां पर डॉक्टर गुप्ते, डॉक्टर गुप्ते थोड़ी क्या नहीं कर, डॉक्टर गुप्ते और डॉक्टर बत्रा, डॉक्टर बत्रा है नहीं, डॉक्टर गुप्ते और डॉक्टर बत्रा ये सीनियर फिजिशियन है, एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स है, इनका एक्सपीरियंस 35-40 साल का। ये लोग आपको वहां पे सपोर्ट करेंगे। अगर आपके डॉक्टर नहीं कर रहे सपोर्ट, ये सपोर्ट करेंगे। हमारे इस सेंटर में 14 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था, जिसका जी की जयंती पर शुरू किया था 2018 में। आज तक 100 के ऊपर ज्यादा लोगों ने इसका फायदा लिया है। जो लोग सिंसियरली आए, तीन बार उन्होंने फॉलोअप किया, मेडिसिन आधे तक आ गया। अभी मुझे यकीन है कि जितने सेंटर हमने महाराष्ट्र में चालू किए, औरंगाबाद है, नासिक, ठाणे, कल्याण, पुणे, सोलापुर, नागपुर, हिंगोली, बेलगांव में शुरू होगा परसों, जो लोग आएंगे मुझे यकीन है कि पहले एनिवर्सरी को उसमें से कम आधे लोगों का मेडिसिन बंद हो जाएगा। तो आप इनका फायदा उठा सकते हो। मैं आपको बाद में कुछ नंबर दूंगा, उनको आप संपर्क कर सकते हो। फिर मैंने इसके ऊपर किताब लिखी, डायबिटीज रिवर्सल न्यू हो। इसमें क्या है, लगभग 72 लोगों के मैंने सक्सेस स्टोरी डाली उसमें, कि जिनका डायबिटीज गया, मेडिसिन कम हो गया, उनके मोबाइल नंबर के साथ। एफर्टलेस वेट लॉस नाम का किताब है, बिना साइज वेट लॉस नाम का किताब है। अब जितना मैंने आपको लेक्चर में बताया, इतना डाइट प्लान करने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए काफी है। लेकिन ज्यादा पढ़ना है आपको, डॉक्टर्स के ओपिनियन पढ़ना है, सक्सेस स्टोरी पढ़ना है, तो आप किताब को खरीद के पढ़ सकते हैं। हमारा एक पेज है एफर्टलेस वेट लॉस फेसबुक के ऊपर, वहां अगर आप जाओगे तो सैकड़ों सक्सेस स्टोरी आपको मिलेगी, ऑथेंटिक स्टोरीज। हमको कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन नहीं फॉलो करता है, पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कर रहे हैं, फिल्म के एक्टर्स कर रहे हैं, एंड दे देमसेल्फ्स आर टेलिंग। खासदार राजू शेट्टी ने बताया मेरा 14 किलो कम हो गया, सुकन्या मोने ने बताया 8 किलो कम हो गया, नाउ शी कैन डांस भरतनाट्यम। तो ये लोग खुद बोलते हैं क्योंकि फायदा हो गया। तो ये किताब आपके लिए मैंने लाया हूं, कुछ स्टोरीज बताता हूं। राजन वेणु को जिसका मैंने जिक्र किया, वाइस चांसलर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, एक्स वाइस चांसलर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, एचबीएमसी 10.33 इन फेब्रुआरी 2018। इनकी ट्रीटमेंट कौन कर रहा था, बंबई के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट जो खुद पद्मश्री है, डॉक्टर शशांक जोशी, बहुत फेमस डॉक्टर। कितने मेडिसिन चालू थे, नीचे चार्ट में दिया हूं, 5 मेडिसिन चालू थे, फिर भी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, कभी भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने डायबिटीज चालू किया, हर महीने मेडिसिन कम होते गए, अगस्त 2018 में पूरे मेडिसिन बंद हो गए, और आज तक कभी भी उनका एचबीएमसी 6.5 के ऊपर नहीं गया। मतलब जो चीज 5 मेडिसिन और एक पद्मश्री डायबिटोलॉजिस्ट कुड नॉट डू, दिस सिंपल डाइट प्लान कैन डू इन 6 मंथ्स। आज तक उनको कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी है, उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। सुमन कैसा सिद्धि विनायक ट्रस्ट के ट्रेजरर है बॉम्बे के, एचबीएमसी 10.1 था, 6 महीने में 6.2 पे आ गया, मेडिसिन बंद हो गया। हेमंत चतुर इनका तो 12.6 था, फॉर्चुनेटली इनको कोई मेडिसिन नहीं चालू था, अभी 6.1 पे है, अभी उनको गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ कुलकर्णी अलीबाग में मेडिकल ऑफिसर है, इसका 4 महीने में 15 किलो वजन कम हुआ, 6.5 to 5.1 आ गया एचबीएलसी। शशिकांत नांगे ऑर्थोपेडिक सर्जन है उदगीर के, 4 महीने में 20 किलो वजन कम हो गया लगभग, गोली लेके डायबिटीज अनकंट्रोल्ड था, विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में आ गया। पहला फोटो है उनके बर्थडे का, केक काट रहे सोफे पे बैठ के, नीचे बैठ ही नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल था, लेग फोल्ड करके बैठना इम्पॉसिबल था। इस साल क्योंकि बैठ सकते हैं अभी बैठे हैं, अभी खाने की उनकी जो ये भी बदल गया, चॉइस भी बदल है, अभी केक नहीं काट रहे।
डॉक्टर वाड़वेकर है नाशिक के, ऑंको सर्जन है, इनका एक साल में 16.5 किलो वजन कम हो गया, एचबीएमसी 6.9 से 5.3 पे आ गया, और दिसंबर 2016 से आज तक कभी भी एचबीएमसी 5.3 के ऊपर नहीं गया, कोई भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी मेडिसिन, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। इज ऑंको सर्जन वेरी फेमस इन नाशिक, प्रोफेसर लेने का मैंने बताया आपको, बिना फटनेस 2.5 महीने में 18 किलो वजन कम हो गया। नीलेश महाजन नासिक डायबिटीज हुआ, 4 महीने में नॉन डायबिटिक हो गए। खास करके जो डायबिटिक ऐसे कि जिनको मेडिसिन शुरू नहीं हुआ उनको बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, अब 6 महीने में उनको फायदा हो जाता है। जिनको गोली चले उनको 2-3 साल लग जाएंगे क्योंकि उनको काफी मेडिसिन लिया हुआ, लेकिन उनका भी रिवर्ट होता है। ये सब सुनने के बाद आपको दिमाग में आया होगा कि हमको थकान आएगी तो हम कैसा करेंगे, कल से हमको इतना काम करने का, इसलिए कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये फोटोग्राफ सब मेरे उसके हैं जब मैंने डाइट प्लान शुरू करने के बाद हाफ मैराथन जितने मैंने रेस में भागा हूं उसके सबके फोटो है। 21 किलोमीटर डिस्टेंस में 2 घंटे 45 मिनट में भाग सकता हूं, कभी 2:35 कभी 2:50, लेकिन 2:45 का एवरेज मेरा टाइम है। ब्लड डोनेशन का पता है 50 से ज्यादा बार किया है, ब्लड डोनेशन करना है तो हीमोग्लोबिन 12.5% से ज्यादा होना चाहिए, मेरा 14.5-15 होता है। तो ये मेरे पूरे बर्थडे से डाइट में शुरू करने के बाद जब मैंने ब्लड डोनेशन किया तो मैं ब्लड डोनेशन कर सकता हूं, मैं 21 किलोमीटर भाग सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार खाना खाता हूं। आपको कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? आपको क्या ब्लड डोनेशन करना है क्या? नहीं। आपको क्या 21 किलोमीटर भागना है कल से? नहीं। तो आप कर सकोगे? कितने लोग करेंगे जरा हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, इसका मतलब नागपुर और हेल्दी बनेगा। फिर ये अभियान शुरू हुआ 2013 से, लेक्चर चल रहा है। अभी मेरे साथ लगभग 86 लोग मेरे साथ काम करते हैं, वॉलंटियर्स, इसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किससे पैसा नहीं लेता। क्यों काम करते लोग? मैं क्यों कर रहा हूं? कि मेरे से भी डॉक्टर जिसका ने पैसा नहीं लिया था, मेरा वजन कम हुआ इसलिए मैं करता हूं। हर लोग क्यों करते? डॉक्टर गुप्ते ने क्यों किया? बहुत जिम करते थे, कुछ करते थे, वजन कम नहीं हो रहा था, ये डाइट प्लान किया वजन कम हुआ इसलिए करते काम। किसी का डायबिटीज गया इसलिए काम करते। तो इतने सारे लोग काम करते हैं, हमारे 246 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स है और 37 कंट्रीज के 50,000 से ज्यादा लोग हमसे कनेक्टेड है। अभी 10 जुलाई को मैं यूएस जा रहा हूँ, बृहन महाराष्ट्र मंडल ने मुझे न्योता दिया है और मेरे लगभग 17 लेक्चर सभी प्लान हुए हैं 40 दिन के अंदर, 17 लेक्चर्स वो सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में लगभग 2000 से ज्यादा लोग यूएस के हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हैं। और मोटापा और डायबिटीज तो दुनिया का प्रॉब्लम है, सभी को इसकी जरूरत है। ये भीड़ देखो, गढ़चिरौली से लेके कोंकण तक कहां भी मैं गया तो ऑर्गेनाइज को मैं यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ मेरा लेक्चर ही अनाउंस करो, 1000 लोग वैसे भी आ जाएंगे, आप जितनी कोशिश करोगे और 1000 बढ़ेंगे आपके जो भी है। ये लोग क्यों आते हैं? इसलिए नहीं आते कि डॉक्टर दीक्षित बहुत पॉपुलर है, ये इसलिए आते हैं कि वो उम्मीद लेने के लिए आते हैं। डायबिटीज के आदमी का क्या था लाइफ? डायबिटीज डायग्नोज हो गया 50 साल का आदमी बोलता है लड़की की शादी जल्दी करूंगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है। आज क्या बोलेगा घर जाने के बाद? आज बोलेगा डायबिटीज को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल रिवर्ट माय डायबिटीज। ये उम्मीद लेने के लिए है, इसलिए ये अभियान जो पॉपुलर है इसके लिए है। ये जो मुझे ब्रांड एम्बेसडर का किताब दिया इसका मुझे इतना इंपॉर्टेंस मालूम नहीं था। ब्रांड एम्बेसडर कौन मालूम है आपको? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रवीना टंडन, ये सब सेलिब्रिटी इन देयर ओन। शायद मैं इस देश का पहला गवर्नमेंट ऑफिसर हूं जिसको किसी भी गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो किताब मैंने बताया आपको इसका कन्नड़ में भी ट्रांसलेशन हुआ, वो जो मैसूर की पगड़ी दिखाई है वो उस समय का फोटो है बेंगलोर का। ये एक इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है। ये ऊपर का जो फोटो है वो मेरे सब सहयोगी है, शंभुखानंद हॉल में 25 नवंबर 2018 को हमने प्रोग्राम किया था, उस टाइम सब सहकारी मेरे आए थे। अभी कितने लोग आए हैं? महल आ जाओ आगे आगे आ जाओ, सबकी एक बार मुलाकात करा दो। और कोई है भाई? एक बार सिर्फ जो लोग काम करो यहां पर, राजू का तो परिचय करा के दिया था, राजेश आ जाओ,
थोड़ा फास्ट आ जाओ, फिटनेस करे लोग ऐसे। अलूवालिया जी, अलूवालिया जी है डॉक्टर गुप्ते, अजून याच्यामध्ये दीपाली बेंद्रे आहे, हेमंत कळीकर, स्वाती भालेराव, मृणालिनी घाटोळ, रीना साहा, शी इज ए वाइस प्रिंसिपल इन वन कॉलेज, ये सब लोग मेरे साथ इधर नागपुर में काम करते हैं। तो इनको मैंने इसलिए आपको परिचय करा दिया कि लेक्चर के बाद आपके सवालों के जवाब मैं तो ज़्यादा दे नहीं सकूंगा क्योंकि 12 बजे मेरा फ्लाइट है, लेकिन आप इनको पकड़ सकते हो। आपको कोई भी चीज पूछना है तो इनको पकड़ो, ये आपको बताएंगे, ठीक है, थैंक यू। नीचे का जो फोटो है वो सैटिस्फाइड कर रहे हो, उससे अगर आप सैटिस्फाइड हो तो मेरे तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो पब्लिक हेल्थ का आदमी हूँ, मैं क्या पेशेंट देखने वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मेरी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप खुश हो, आप अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट का अच्छा कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्शन सही नहीं है आपकी, तो फिर हमारे तरफ देखो कि इस प्लान से कुछ फायदा होता है, एक्सप्लेन करके देखो किसके ऊपर करो। अनकंट्रोल डायबिटीज ले लो 5, और न्यूली डायग्नोस ले लो 5, बस 10 पेशेंट के ऊपर ट्रायल करो, आपको आपका एविडेंस मिल जाएगा और आप हमारे इसमें शामिल हो जाओगे। तो ये डॉक्टर हमारे साथ काम करते हैं बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर। लगभग 300 से ज्यादा व्याख्यान हमारे लोगों ने दिए नागपुर में भी। आपको अगर व्याख्यान चाहिए, कहीं भी चाहिए, सोसाइटी है क्या आजकल के, इतनी बड़ी बड़ी फ्लैट सिस्टम होती है, 200 फ्लैट है तो एक गांव जैसा हो गया, 600-700-800 लोग होते हैं। आपको गणपति में चाहिए, नवरात्रि में चाहिए, कभी भी प्रोग्राम चाहिए तो हमारे लोग अवेलेबल है, ये व्याख्यान के लिए आएंगे। इनको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, दूर है तो जाने आने की उनको गाड़ी भेजो, वो आएंगे व्याख्यान देंगे। तो हमको स्प्रेड करना है, सबके तरफ जाना है। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कन्नड़ लैंग्वेज में, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। हमने अडोर नाम का एक ट्रस्ट बनाया, एसोसिएशन फॉर डायबिटीज एंड ओबेसिटी रिवर्सल, इसका ये लोगो है, ये लोगो महेंद्र ने बनाया है, इधर बैठे। ये वेबसाइट है adortrust.org, इसके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हमारा ऐप जल्दी लॉन्च हो रहा है 8-10 दिन में, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, एक है हमारा डायबिटीज रिवर्सल सेंटर्स। ये सेंटर की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सब लोगों के दिमाग में एक बात है कि डायबिटीज कैन बी रिवर्टेड, उसी उद्देश्य से काम करते हैं। दूसरा हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम, नासिक में शुरू किया। शुरुआत में मैंने कहा था कि 18 साल तक जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर में जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे देखो उनकी क्या हालत हो गई है, माँ बाप उनको टी शर्ट जीन वगैरह ला के देते हैं, वो जीन में बैठते नहीं, इधर उधर से निकलते हैं, टी शर्ट में से बाहर निकलते हैं, पेट निकले हुए हैं, 12 साल के बच्चों के पेट निकले हुए हैं। आज ये हालत है तो 10 साल के बाद क्या होगा। तो मैंने पेडियाट्रिशियन से बात की कि भाई इन्हें कितनी बार खाना चाहिए, सबने मुझे बताया कि 4 बार खाया तो चलेगा। तो हमने कैंपेन में किया, इसमें हमने बताया कि पहली सलाह हमने दी इट इज ओनली फॉर 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, 8 ऑनवर्ड्स। क्या सलाह दी, दिन में 4 बार खाना खाओ, जब भूख लगती है 4 बार खाना खाओ। दूसरे सलाह दी मीठा कम खाओ। तीसरा कोल्ड ड्रिंक कभी मत पियो, 100 ml कोल्ड ड्रिंक में 11-12 ग्राम शक्कर है, और 500 ml पियोगे तो 60 ग्राम शक्कर खाओगे, 12 चम्मच शक्कर खाते हैं और कैफीन कितना ज्यादा है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक मत खाओ। और आखिरी सलाह इंपॉर्टेंट, कल से मोबाइल पर फुटबॉल खेलना बंद करो और ग्राउंड पे जाके खेलो 1 घंटा। ये 4 सवाल मेरे, ये नासिक प्रोग्राम शुरू हुआ, ये हम नागपुर में हमको करना है। अगर कोई स्कूल के लोग हैं, कोई प्रिंसिपल है, किसी को चाहिए तो राजू के साथ, डॉक्टर गुप्ते के साथ बात करो। जब स्कूल चालू हो जाएगा तो हम लोग आपके वहाँ आएंगे, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी लेक्चर लेंगे। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल बहुत आसान है। हमारा गोल है कि दुनिया में कहीं भी आपको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज हो गया तो डॉक्टर ने आपको पहले बोलना चाहिए कि गोली और दवा का हम बाद में सोचेंगे, पहले 3 महीने 2 बार खाओ, 4.5 किलोमीटर चलो, इसका फायदा नहीं हो तो गोली देंगे। ये सभी डॉक्टर से बोलना चाहिए, ये हमारा फायदा है। और ये दोनों प्रॉब्लम दुनिया से जाना चाहिए। आपसे मेरी उम्मीद क्या है, जैसा मैंने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा मत करो। अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया उसमें साइंस है, उसमें लॉजिक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर, और अगर आपको फायदा होता है खुद के ऊपर भरोसा करके इसमें शामिल हो जाओ और फिर दूसरों को बताओ। क्योंकि ये अभियान एक व्यक्ति का नहीं है, 10,000 लोगों का नहीं है, 15,000 लोगों का नहीं है, ये हमारा अभियान है।
हमको 700 करोड़ लोगों के पास जाना है, और 700 करोड़ लोगों के पास हम तभी जाएंगे जब आप आपका काम करेंगे। मेरा काम तो आज खत्म हो जाएगा, मेरा लेक्चर हुआ, मेरा काम हो गया आज का, जो मुझे मालूम था मैंने बताया आपको। एक भी चीज मेरे पास मैंने नहीं रखी है, सब आपको दे दिया। आपका काम कल से शुरू होगा, ये एक्सपेरिमेंट करो 90 दिन के लिए, फायदा हुआ लोगों को बोलो, इस अभियान में शामिल हो जाओ, रिसर्च में सहयोग दे सकते हो, आर्थिक सहायता कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये लेक्चर देके आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, ये अभियान जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। तो हमें कैसे शामिल हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये नंबर मैंने आपको दिया, इसका फोटो निकाल के रखो, इसमें प्रोफेसर शाह है, रीना, राजू अकलकर है, ये सब नागपुर के लोग हैं। आपको क्या करना है, दो टेस्ट करना है, HbA1c फास्टिंग इंसुलिन, वो रिपोर्ट जाएगा, उसके फोटो निकालो, इनको व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, फोन करने के लिए नहीं है, कोई वो अननोन फोन नहीं उठाएंगे। तो आप क्या करो, फोटो निकालो और वो रिपोर्ट भेज दो, ठीक है। अब रिपोर्ट भेजने के बाद क्या होगा, और किसी एक ही को भेजे, सबको भेजेंगे तो सब काम को लेते हैं और बाकी को लेट हो जाएगा, क्योंकि सब लोग वही प्रोटोकॉल से काम करते हैं, एक ही मेथड से सब लोग काम करते हैं। वो क्या करेंगे, आपको पूछेंगे कि आपको डायबिटीज है क्या, कौन सी मेडिसिन चल रही है वगैरह वगैरह, कुछ सवाल पूछेंगे। उसके बाद में फिर आपको कैटेगराइज करेंगे, वेट लॉस, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, और फिर आपको एक डाइट प्लान मैसेज भेजेंगे। जो मैंने अभी लेक्चर दिया है आपने सुना, लेकिन हो सकता है कि इसमें दो तीन चीजें आप भूल जाओगे, नेचुरल है, पूरा याद नहीं रहेगा, लेकिन डाइट प्लान मैसेज रेडिरेक्नर है, डाइट प्लान मैसेज रेडिरेक्नर है। इसमें जो दिया वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। अगर मैंने लिखा है कि काली चाय चलेगी तो काली कॉफी के बारे में मत पूछो, इतना सिंपल है, जो दिया वही फॉलो करो। डेली आपको उसमें सक्सेस स्टोरी मिलेगी, किसी का वजन कम हुआ, किसी का डायबिटीज गया, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपके हर इर्द-गिर्द लोग जो है ना वो आपको पंक्चर करने के लिए बैठे बहुत सारे, तो मोटिवेशन के लिए ग्रुप की जरूरत होती है। आपके सवाल पूछो, इतने ग्रुप्स हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर हम लोग देते हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप की आपको कोई न्यूसेंस नहीं होगा, कोई कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रुप के ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, RIP, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, झंडे, फूल, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, परमिशन ही नहीं, एक बार डाला तो वार्निंग दूसरी बार निकाल लेते हैं, इसलिए न्यूसेंस कोई नहीं होगा, सिर्फ काम के मैसेज आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें आप इस प्रकार से शामिल हो सकते हैं। रायसोनी ग्रुप का मैं शुक्रिया यहाँ पर अदा करता हूँ, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो मेरे सहयोगी हैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मैं स्वस्थ जिंदगी की कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरोगी रहें, जिसका डायबिटीज है वो अगले साल तक उसका मेडिसिन बंद हो, और आप बड़ी तादाद में इस अभियान में शामिल हो, इस अपेक्षा के साथ मेरा ये व्याख्यान यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आपण काही मोजके प्रश्न घेणार आहोत, फक्त 5 प्रश्न आपण आज घेणार आहोत इथे। तेव्हा सर जे काही बोलले, सरने अभी तक जो कुछ भी कहा है उसके अलावा एंटायरली डिफरेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ही आप वो सवाल पूछें। ते मध्ये पाणी जे प्यायचं ते गरम पाणी प्यायचं की थंड, तुम्हाला जे आवडतं ते। हाइपोग्लाइसीमिया में आपको चक्कर आ सकता है, स्वेटिंग होगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो उस टाइम ग्लूकोमीटर। हाँ, जितने भी डायबिटीज के लोग हैं, आपके घर में कोई गहना नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ग्लूकोमीटर होना जरूरी है, कि ग्लूकोमीटर जब ऐसा होता है तो ग्लूकोमीटर रीडिंग ले लो, अगर 80 के नीचे शुगर है तो मीठा खाओ। लेकिन डायबिटीज के सभी लोगों ने डाइट प्लान करने से पहले 2 रिपोर्ट करना है, हमको भेजना है, हमने जब बताएंगे करो तो ही करना है। एक माझं वेट मात्र व्यवस्थित बरोबर आहे, फक्त डायबिटीज प्रॉब्लेम आहे 7 वर्षापासून।
तुम्हाला मी जे सांगितलं की आता डॉक्टर गुप्तेजी तुम्हाला ओळख करून दिली, ज्ञानेश्वर मंदिरात गुरुवारी सकाळी 7:30 आता या नंबरवर तुम्ही मेसेज करा. मेसेज केला की तुम्हाला 2 टेस्ट करायला सांगतील, त्या टेस्ट करून रिपोर्ट घेऊन जा, तुम्हाला पुढचं गायडन्स मिळेल. सर आपल्याला अशी कल्पना आहे की टाइप 2 डायबिटीस बाहेरून इन्सुलिन द्यावं लागतं, बरोबर? नाही कसं आहे, सुरुवातीला त्याचे डोस सुद्धा वाढत जातो. नाही आता तुम्ही एकटे नाहीये, तुम्ही एकटे नाही, तुमच्यावर आमचे लोक पण आहे, त्यांनाही घेऊन जा, ते सांगतील. म्हणजे आता सांगेल हो ना, माझा कार्यक्रम चालू आहे. व्हेरी गुड. सर आपण हा प्लान चालू केल्यानंतर आपल्या शरीराला ती सवय होऊन जाते, तर त्याच्यानंतर ते वजन जे कमी व्हायचं जे आहे ते स्टेबल राहते की? आता असं होतं की सुरुवातीला तुम्ही जेव्हा करता तेव्हा 5-7 महिन्यामध्ये तुमचं वजन 8 किलो कमी होतं, मग ते स्टॅगनंट होतं. मग स्टॅगनंट झालं की आम्ही सांगतो काय करा, म्हणजे डायबिटीज तर नसेल, आठवड्यातून 1 दिवस तुम्ही जास्त व्यायाम करा, आठवड्यातून 1 दिवस रात्री जेवू नका, फक्त सूप प्या, म्हणजे सरळ शरीरात धक्के द्यायला लागतात, पुन्हा वजन कमी व्हायला सुरुवात होते. सुरुवातीला फ्रिक्वेन्सी ऑफ इटिंग ऑपरेट होते इन्सुलिन लेवल, त्याच्यानंतर काही वेळाने तुम्हाला हळूहळू खाण्याचं जे आहे हेल्दी खायला, प्रोटीन वाढवणे वगैरे असे काही प्रयोग करायला लागतो, पण त्याने फायदा होतो. चलेगा कोई प्रॉब्लम. थर्टी पर्सेंट रिडक्शन होते 3 महिन्यामध्ये. तर तुम्हाला आधी इन्सुलिनचे डोस 2 ऍडजस्ट करायला लागते, ते तुमच्या डॉक्टरांनी केलं तर चांगलंच आहे, नाही तर आमचे गुप्ते सर करून देते. हॉस्पिटलला जायची गरज नाही, ज्ञानेश्वर मंदिरामध्ये रिव्हर्सल सेंटर आहे, पण आधी हे करा, आधी रिपोर्ट पाठवा त्याच्या, कारण तुम्हाला इन्सुलिन टेस्ट करायची नाही आहे, सी पेप्टाइड नावाची टेस्ट करायची. अजून कोणाला काही प्रश्न? सर जलजीरा किंवा लिंबू पाणी घेतलं तर बाकी पोळी भाजी पाणी पण चालतं. धन्यवाद. वजन कमी करण्यासाठी काही प्रयत्न करत नाही अशा लोकांना फायदा होतो. धन्यवाद.